और सूक्ष्म भी संभालते थे, क्योंकि सत्या दीदी जो थे वो इतना कार्य नहीं संभाल पाते थे बाहर का, और दीदी भी अकाउंट, दादी जी भी अकाउंट आदि का ही कार्य संभालते थे। तो दीदी ने बहुत वैसे कैसे बताऊँ इस बात को, एक मैंने पंक्ति लिख के लाई है, माँ सलाम करे, जमी सलाम करे, आसमां सलाम करे, ऐसे प्रेम मूरत दीदी जी जो तुम्हें जहान सलाम करे, फरिश्ते से कहलाने वाले दीदी जी आज चमन के बहार में आते ही फूलों के साथ तुम्हें बागवान सलाम करे, फोटो तक आई बात को भी निगलना पड़ता है, औलाद बनने के लिए लोहे को भी पिघलना पड़ता है, तपे बिना कोई सोना निर्मल नहीं बनता, जग को रोशन करने के लिए दिए को भी जलना पड़ता है। दीदी ने वो क्या तपस्या की हुई है, और आप देख रहे हैं कि जो हमारी छोटी सी फुलवाड़ी थी वो किस तरह से खिल रही है, बहुत बड़ा बगीचा बन गया है, और ये सब हमारे दीदी जी की सेवा का फल है। ओम शांति। Thank you.
शांति हमारे दीदी के जो दीदी के लिए जो कहने लगी मुझे, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। लेकिन दीदी जैसे हम आश्रम पे आए जैसे मैं नई नई थी तो दीदी ने मुझे इतने अच्छे, मुझे ऐसी बहुत सी चीजें आती नहीं थी, बहुत डरती थी, लेकिन दीदी ने मुझे आगे बढ़ाया और मैं दीदी को दिल से ब्रह्मा बाबा का जो भगवान शिव बाबा ने जो निमित्त बनाया है तो बाबा इनको टच करता है कि हमें लगता है कि दीदी ने जो निर्णय लिया वो बाबा ने इनके द्वारा हमें दिया, चाहे हमें लगे कि बुरा है या अच्छा है, लेकिन दीदी हमारे लिए अच्छा ही सोचते, उसमें कोई शक नहीं है। और दीदी ने हमें इतने अच्छे से कई कई कितने अलग अलग स्टेट से हम रहने आई हैं, लेकिन दीदी ने सबके स्वभाव संस्कार सब अलग अलग है, लेकिन दीदी ने हमें इतने अच्छे से हमें पालना दे रहे हैं, ऐसे हमारे दीदी जी हैं। तो दीदी जी को मैं बहुत दिल से बधाई दे रही हूँ, बधाई हो बधाई हो बधाई। मैं छोटा सा गीत सुनाना चाहती हूँ। के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले आज के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन की तले जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन की तले सूरज की पहली किरण से आसाए, सूरज की ऐसे गगन की तले जहाँ गम ही न हो आंसू भी न हो बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन की तले। ओम शांति। ओम शांति। मुझे आज इस प्रोग्राम में शामिल होकर बहुत खुशी हो रही है और बहन जी को इस तरह देखकर बहुत ही गर्व हो रहा है, क्योंकि बहन जी मेरे से उम्र में बहुत छोटे हैं। बहुत लोगों को तो पता भी है यहाँ, और कुछ लोगों को शायद नहीं पता होगा कि लौकिक बहन है मेरे और मेरे उम्र से बहुत छोटे हैं। ये हाथों में खेले हैं, पढ़े लिखे हैं, तो इनको ज्ञान में चलाने के निमित्त भी मैं ही था, बाबा ने मुझे बनाया। तो और बच्चों की तरह मैंने पालना की है, बाप का प्यार भी दिया है उनको, तो मुझे आज बहुत गर्व हो रहा है। और मैं सभी भाई बहनों का भी बहुत धन्यवादी हूँ जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया, इतना अच्छा प्रोग्राम बनाया। ओम शांति। ओम शांति। सबसे पहले मैं किरण बहन जी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ जिन्होंने मदन धर्म